बात करेंगे एसएससी सीजीएल और 24 के मेंस की एग्जाम डेट के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखेंगे, रांची जोन के लिए दोस्तों कितना रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की रैंक और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे पहले दोस्तों मैं आपको लखनऊ के रैंक के बारे में बता चुका, दिल्ली रैंक, एएसओ सीएसएस का रैंक, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ और एएसओ एएफएचक्यू के बारे में, इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से मैं जो ऑलरेडी वीडियो बना चुका। अगर किसी ने ये वीडियो देखनी है, कोई भी आप इनमें से जोन से लाइक करते हैं, तो जो है आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से आप जो है कोई वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक भी दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको SSC से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीजीएल 24 की मेंस की एग्जाम डेट के बारे में। आपको पता कि टीयर वन आपका जो है 9 से लेकर 26 सितंबर के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से, 2022 के अंदर 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में जो है टीयर वन जो इसका हुआ था, इसका रिजल्ट दोस्तों 9 फरवरी को आया था और मेंस हुआ था दोस्तों 3 मार्च को, यानी कि लगभग 80 दिन के बाद जो है मेंस हुआ था, जो लास्ट डे था जिसका सीजीएल का। 2023 की अगर बात करूं 14 से लेकर 27 जुलाई के बीच में जो है टीयर वन का पेपर था, 19 सितंबर को इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। और इसका दोस्तों जो 26 अक्टूबर को मेंस था, 26 अक्टूबर को, यानी कि एग्जैक्टली 90 दिन, ठीक है, 90 डेज, यानी कि एक बार 80 दिन में मेंस हुआ और एक बार 90 डेज में मेंस हुआ, यानी कि हम मान सकते हैं कि 80 से लेकर 100 तक के बीच में जो है आपका मेंस हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड दोस्तों आपकी मेंस की एग्जाम डेट रहेगी 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आपका मेंस होने की संभावना है। आपने जो है अपनी तैयारी दोस्तों खत्म कर लेनी है 1 दिसंबर तक, और उसके बाद कंप्लीटली रिवीजन की तरफ जो है चलना है, ठीक है। और 1 दिसंबर तक दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या खत्म करना है। इसमें दोस्तों टाइपिंग भी आपकी उसी दिन होगी जिस दिन आपका मेंस होगा, ठीक है। तो टाइपिंग में दोस्तों 2 से 2.5 महीने जो लग जाते हैं सीखने के अंदर, और अगर आप घर पे बैठ के टाइपिंग दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो टाइपिंग उसी दिन होगी, बात का जरूर ध्यान रखना। और 1 दिसंबर तक हमने टाइपिंग स्पीड को मेंटेन रखना, ताकि लास्ट के 15 दिनों में हम, क्योंकि टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई नेचर है और क्वालिफाई करनी जरूरी है, तो इसलिए टाइपिंग को भी दोस्तों 1 दिसंबर से पहले पहले अपनी स्पीड जो है बना लो। आपको पता है टाइपिंग स्पीड आपकी चाहिएगी दोस्तों 27 की स्पीड चाहिएगी, ठीक है। 15 मिनट का एक पैसेज आएगा, वो आपने जो है टाइप करना है, ठीक है। मैक्सिमम एरर जो है 20% अलाउड होता है, कुछ पोस्टों में दोस्तों वो जो है 5% अलाउड होता है, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 5% किस में है, 20% किस पोस्ट के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको जो है एक टेक्नोबोन के नाम से जो है एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जो मैंने देखा, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों सारी चीजें दे रखी हैं, लर्निंग मॉड्यूल दे रखा है, यानी कि इसके अंदर जो फ्री चीज दे रखी है लर्निंग मॉड्यूल, यानी कि आपको टाइपिंग किस तरह से करनी है, यानी कि स्टार्टिंग के दोस्तों कुछ टेस्ट इन्होंने ऐसे डाल रखे हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप पहले दिन आए और टाइपिंग फटाफट करने लगे, नहीं, उसके लिए टाइपिंग सीखने का एक तरीका होता है कि आपने सबसे पहले किस अल्फाबेट को जो है आपने सीखना है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है स्पीड मोड है, यानी कि उसके बाद जो है टेस्ट है आपके, फिर वो आपने टेस्ट लगाने हैं। इसके अंदर आपके जो है ये पता लगेगा कि जो है इसमें सीजीएल का भी है और सीएचएसएल का भी है, ठीक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में। सीजीएल तो दोस्तों इंग्लिश में आता है और सीएचएसएल आपका इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में, यानी कि सीएचएसएल के अंदर जो है 35 की स्पीड चाहिए होती है, जो कि अच्छी खासी स्पीड जो है होती है। सीएचएसएल का मेंस भी दोस्तों अब होना है, सीएचएसएल टीयर 19 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और 30 की स्पीड इसमें हिंदी में मानी जाती है। तो मैं तो दोस्तों प्रेफरेंस दूंगा कि आप जो है इंग्लिश में ही तैयारी करें अपनी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यहां पर आपको लेफ्ट हैंड में जो है सारी की सारी एक्यूरेसी का भी पता लगा कि आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंटेज है, कितने आपने टाइम लिया, कितने नेट स्ट्रोक किए हैं, ठीक है, टोटल मिनट, सारी चीजें लेफ्ट हैंड में आपको जो है कंप्लीट करने के बाद मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर है कि आपने स्टार्टिंग जैसे कॉमन वर्ड्स हैं कुछ, यहाँ एक और चीज दोस्तों इसमें डाल रखी है, कुछ कॉमन वर्ड्स डाल रखे हैं, यानी कि जो बार बार पेपर में आते हैं, जो कि हर एक पेपर में, यानी कि किसी भी तरह का पैसेज आ जाए, वही पैसेज में जो वो वाले कॉमन वर्ड उस पैसेज में मिलेंगे, चाहे कोई भी पैसेज आए, यानी कि वो वर्ड आपको मिलने ही मिलने हैं। ये भी दोस्तों एक अच्छी चीज है, कॉमन वर्ड इन्होंने डाल रखे हैं। 10 चैप्टर इन्होंने लर्निंग के डाल रखे हैं, जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, बिल्कुल ये क्या है, फ्री टेस्ट है। ये दोस्तों टेक्नोबोन नाम की एक वेबसाइट है, तो वहां पर आपको मिलेंगे, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके जो है अपने पीसी में अपने कीबोर्ड द्वारा जो फिर आप टाइपिंग इसमें कर सकते हैं, यानी कि घर पर ही आपने कर सकते हैं।
इनके मैंने कुछ पेड प्लान भी देखे, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये भी आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोबोन के नाम से है दोस्तों, एक बार मतलब अपने जैसे ही टीयर वन हो जाए जिस चीज का, तो अपने टाइपिंग तुरंत जो है स्टार्ट कर दें। और जिसका CHSL अभी रिजल्ट जिसका आएगा अभी, तो यानी कि मेंस जिसको देना है वो भी तुरंत जो अपनी टाइपिंग स्पीड जो है अपनी मेंटेन कर ले, ठीक है। लिंक दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर लेते दोस्तों हम आगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दोस्तों वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है, ये आपको पता है, 411 वैकेंसी है। बार बार वैकेंसी नहीं आती, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज कि दोस्तों बार बार वैकेंसी नहीं आती, इसलिए अपनी पढ़ाई को दोस्तों बिल्कुल अच्छे से कर लो, किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली के अंदर है 49, ठीक है, और पटना के अंदर दोस्तों वैकेंसी आपकी कितनी है, 5, जिसमें UR कैटेगरी की दोस्तों कोई भी वैकेंसी यहां पर देखने को नहीं है। OBC की 1 है, EWS की 2 है, SC की 2 है, और ST की भी कोई वैकेंसी यहां पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों इनका जोन है कलकत्ता, ठीक है, जिसके अंदर 45 वैकेंसी जो कि अच्छी खासी वैकेंसी माने जाते हैं। 23 वैकेंसी दोस्तों UR कैटेगरी के, यानी कि ये वाले कैंडिडेट जो है यहां पर भी जा सकते हैं इजिली, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके नजदीक है भुवनेश्वर, ये यहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और लखनऊ भी दोस्तों कुछ कैंडिडेट चले जाते हैं, लेकिन लखनऊ में 17 वैकेंसी इस बार हैं जो कि उसके साथ में लगता हुआ एरिया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये दोस्तों इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी है, 4,777 जो कि अभी बढ़ेंगी, 5,000 होंगी, चिंता मत करो, ठीक है। जो CBI की बात कर रहे हैं, CBI की, ED की, उनमें भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम एक्साइज इंस्पेक्टर की। एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि GST इंस्पेक्टर जो है अब नाम इसका हो चुका है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रांची के अंदर पिछली बार 38 वैकेंसी थी, इस बार दोस्तों 82 वैकेंसी है, ठीक है। इस बार दोस्तों 82 वैकेंसी, जिसमें 13 वैकेंसी UR कैटेगरी की। सबसे जबरदस्त मौका दोस्तों OBC वालों के लिए है, OBC वाले जो है इस बार जो है अपने जोन के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, यानी कि जैसे रांची जोन के अंदर आपका बिहार का एरिया भी आता है, और बिहार में जिस जो डिस्ट्रिक्ट आपका है उस डिस्ट्रिक्ट में भी अपने आप जो है नौकरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यानी कि बस पढ़ाई दोस्तों आपने करनी है। 15 वैकेंसी SC कैटेगरी की भी है, ठीक है। फिर दोस्तों कलकत्ता की, कलकत्ता में भी दोस्तों 408 वैकेंसी, यानी कि इस बार इन दोनों के लिए तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है GST इंस्पेक्टर बनने का। अब कुछ कैंडिडेट जो कह रहे थे कि सर जो है मैंने बताया था कि कलकत्ता 964 रैंक तक जो है मिला है, और कुछ कैंडिडेट सर 1400 रैंक तक, भाई ये नहीं मिला, ये मैंने वेरीफाई कर चुका, ठीक है। 964 रैंक तक लास्ट टाइम जो है ये मिला था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं टोटल दोस्तों, अभी रांची जोन का मैं आपको बताऊंगा टोटल वैकेंसी का चार्ट दोस्तों ये वाला है। इस बार नॉर्थ इंडिया वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, तो ये वैकेंसी चार्ट दोस्तों अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। अब बात करें दोस्तों इसके कि आखिर कंपटीशन कितना है, कितना कॉम्पिटिशन है। यहां पर हम देखेंगे अगर कि दिल्ली के लिए दोस्तों 2023 के अंदर 2389 वैकेंसी थी, दिल्ली दोस्तों 738 लोगों ने अपनी पहली च्वाइस दी थी, लखनऊ दोस्तों 238 लोगों ने अपनी पहली चॉइस दी थी, और रांची 280, यानी कि 280 दोस्तों 12% लोग जो है रांची को चाहते हैं। टॉप के दोस्तों थर्ड नंबर चॉइस रहती है रांची जोन, ठीक है, यानी कि बहुत पढ़ने वाले कैंडिडेट वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे पे जयपुर है, थर्ड पे दोस्तों रांची है। तो ये आप देख सकते हैं कंपटीशन दोस्तों वहां पर अच्छा खासा है, इस क्योंकि इस बार भी अच्छी खासी मेहनत आपको जो है करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला जो है आप एरिया देख सकते हैं, ये वाला सारा का सारा एरिया GST के अंदर जो है आता है, ठीक है। बिहार, पटना, ये वाला सारा एरिया दोस्तों इसी रांची जोन के अंडर में ही आएगा। फिर ये यहाँ पर भी जा सकते हैं और भुवनेश्वर भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों इनका एरिया बस यहीं तक रहता है, उसके बाद ये सोचते हैं कि सर हैदराबाद जाएँ, कि मुंबई जाएँ, कि चेन्नई जाएँ, कहाँ जाएँ, ठीक है। यहाँ तक ये जो है लोग प्रेफरेंस देते हैं अपनी। अब बात करें दोस्तों रांची जोन की, जो कि आपको ये वाला पिछली बार दोस्तों कितनी वैकेंसी थी और कितने तक मिला था ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लास्ट टाइम दोस्तों सिर्फ 38 वैकेंसी थी, UR कैटेगरी की सिर्फ 5 वैकेंसी थी, 103 रैंक तक, यानी कि सबसे कम रैंक तक ये मिला है पूरे इंडिया में जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। 103 रैंक तक ही मिला सिर्फ, इससे ज्यादा कंपटीशन किसी में नहीं है, ठीक है। लखनऊ भी दोस्तों 132 रैंक तक मिला था, दिल्ली तो और भी आगे तक मिला था, लेकिन रांची जोन दोस्तों बहुत कंपटीशन है, 334 नंबर पर इसकी कट ऑफ गई थी। OBC 9,478 कट ऑफ 2,325, एक वैकेंसी थी, 316 रैंक तक मिला था, 326 नंबर, 18 थी दोस्तों ये वैकेंसी अच्छी खासी, 295 और ये 287, तो इस तरह से था। इस बार दोस्तों 13 वैकेंसी हैं,
5 की बजाय 13 है तो 350 रैंक तक मिल जाएगा, 326 नंबर कट ऑफ पिछले अकॉर्डिंग, ठीक है। 42 दोस्तों इस बार 1900 रैंक तक के मिल जाएगा आपको, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी, 9 से लेकर 42 हो गई अच्छी खासी है, 314 रैंक तक, 8 15 1500, फिर दोस्तों इनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बाद में, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे ज़्यादा ही रैंक तक आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस बार 82 वैकेंसी हैं टोटल, यानी कि अब आप पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, अभी तक कुछ भी नहीं गया है, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। तो आपके हाथ में तो दोस्तों अपनी कलम चलाओ, दिमाग चलाओ और मेहनत करो, डेफिनेटली आप इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओगे। और किस किस कौन कौन किस किस के अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर इस बार बन के ही रहूँगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे दोस्तों आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अपने टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लो, जहां पर जैसे जीएसटी की ज्यूरिडिक्शन में डाल रखी है कि जैसे लखनऊ के अंदर जो लखनऊ और मेरठ का एरिया आता है, मुंबई के अंदर कौन सा आता है, रांची के अंदर दोस्तों ये देख सकते हैं आप, रांची और पटना दोनों जोन आते हैं, ठीक है, तो ये आप जो है ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्टडी पर फुल फोकस रखें। थैंक यू।